हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से वापस से स्वागत है बाजीराव नर्सिंग एकेडमी पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आज अपन डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं आईवी कैनुलास के बारे में, या आईवी कैथेटर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जो कि आपका इंजेक्शन अगर आपको देना है या फिर आपको फ्लूड ट्रांसफ्यूज करना है तो उसके लिए इनका यूज किया जाता है। मल्टीपल आपको अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है तो उसके लिए भी आपको मेडिकेशन देनी है। ये सभी इसका पर्पज़ आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल अभी हीट स्ट्रोक चल रहा है, बिल्कुल हाइपोवॉल्यूम है कि रिस्क है, उसमें बिल्कुल आपको फ्लूड को ट्रांसफ्यूज करने के लिए अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गोज उसमें देखने को मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर कोडिंग्स होती है, कितना कितना नंबर का कौन सा गोज का कैनुला का कलर देखने को मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो आप कैनुला यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका ऑरेंज कलर का कैनुला। अगर इसकी बात करें गोज के साइज की, तो ये आपका 14 गोज का लार्जर आपका जो गॉज की निडल का जो डायमीटर होता है, जो सबसे बड़ा डायमीटर इसी का देखने को मिलेगा। गॉज की बात करें सबसे छोटा गॉज होता है 14 गॉज का, लेकिन डायमीटर होता है इसका जस्ट अपोजिट होगा। जितना कम गॉज का कैनुला होता है उतना ही डायमीटर उसका बड़ा देखने को मिलेगा। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गॉज डायमीटर से। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सेकंड आपको कैनुला देखने को मिल रहा है, ये आपका 16 गॉज का ग्रे कलर का कैनुला है। थर्ड नंबर पे जो कैनुला है ये आपका ग्रीन कलर का होगा, ये आपका 18 गॉज का कैनुला है। ये आपका फोर्थ नंबर पे जो कैनुला दिखाई दे रहा है आपका, ये आपका पिंक कलर का कैनुला है, 20 गॉज का कैनुला है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो फिफ्थ नंबर का कैनुला है इसे नाम दिया जाता है ब्लू कलर का, और ये 22 गॉज का है। नेक्स्ट येलो कलर का जो कैनुला है इस 24 गॉज का कैनुला है, और 26 का पर्पल या वायलेट कलर का होता है, जो कि मोस्ट कॉमनली न्यूबॉर्न में यूज किया जाता है। बोले गुरु जी इसको दिखा भी दिया जाए क्या क्या इसकी खासियत बातें होती है, तो उसको देखिएगा गौर से। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि ये कितना गोज का है, तो देखिएगा यहाँ पर 26 गोज का लेंथ है, 19 mm का 15 ml पर मिनट के हिसाब से आप इससे फ्लूड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली छोटे बच्चों में जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। तो छोटे बच्चे जो कि बच्चे पैदा होते हैं, नन्ना मुन्ना रसगुल्ला अगर आपका हुआ है, तो उसमें फ्लूड ट्रांसफ्यूजन के लिए किसका यूज किया जाएगा, 26 नंबर गोज का कैनुला यूज करते हैं। इन्फेंट में होता है वो आपका 24 का यूज किया जाता है, ओल्ड एज में आपका 22 नंबर का कैनुला यूज किया जाएगा 22 गॉज का। बात करें मोस्ट कॉमनली अडल्ट में यूज किया जाने वाला फ्लूड ट्रांसफ्यूजन के लिए 20 गॉज का कैनुला यूज करते हैं। अगर आपको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, या आपको पर्सन में क्या करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, तो उसमें उस वाले केस में ऑपरेशन से पहले यूज किया जाने वाला कैनुला ग्रीन कलर का कैनुला आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपको क्या करना है, इमरजेंसी में फ्लूड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, हाइपोवोलेमिक शॉक में पर्सन है आपके पास में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद में सीवियर ब्लड लॉस हुआ है उसके बाद में पर्सन आपके पास में आता है, तो आपको 14 और 16 गॉज का कैनुला यूज करना होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में, तो ये आपका पार्ट समझते हैं इसके कितने टाइप के आपको पार्ट्स देखने को मिलेगा, क्या क्या पार्ट्स होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, क्या आईवी कैनुला के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ से इतना बड़ा आपका आईवी कैनुला होता है, सबसे बड़ा आपका जो डायमीटर है उसका 14 गॉज के कैनुला का होगा। तो ये इसकी निडल आपकी क्या है, निडल का ग्रीप आपको देखने को मिल रहा, सॉरी ये आपकी निडल का शेप देने के लिए, ताकि किसी तरीके का इंजरी ना कर सके, तो इसकी कैप आपको देखने को मिल रही है। सेकंड बात करते हैं, जो ये वाला पोर्शन होता है शार्प पोर्शन होता है, जो कि आपकी वेन को पेनिट्रेट करेगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा शार्प आपको देखने को मिलेगा वेन का पेनिट्रेशन करने के लिए, तो इसे नाम दिया जाता है बेवल के नाम से जाना जाता है। ये क्या है आपका निडल, या बेवल के नाम से इसे जाना जाएगा। सेकंड बात करते हैं, ये जो वाला पार्ट होता है बीच वाला, इसको नाम दिया जाता है शाफ्ट के नाम से, या कैथेटर के नाम से इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन होता है जहाँ से ये शाफ्ट आकर के इसकी अटैच होती है, उसे नाम दिया जाता है बुशिंग के नाम से जानते हैं। आगे जो ये व्हाइट कलर का पार्ट है इसे नाम दिया जाता है, इस व्हाइट कलर के पार्ट को नाम देते हैं वाल्व के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो तितली के आकार की जो फ्लैंज दिखाई गई है इन्हें विंग्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कलर कोडिंग आपको डिफ्रेंशिएट करेगा ये वाला देखिएगा यहाँ से इसे, तो इसको आप यहाँ से ओपन करके क्या कर सकते हैं, आप सिरिंज लगाकर इससे सिरिंज को अटैच कर दिया जाएगा, और सिरिंज को अटैच करके आप डायरेक्टली यहाँ से ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इंजेक्शन पोर्ट है, ये इंजेक्शन पोर्ट आपकी
कैप देखने को मिल रही है, यहाँ से आप डायरेक्टली इंजेक्शन लगा सकते हैं, आपको बार बार कैनुला को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आपको जहाँ से ये क्या है निडल ग्रिप आपको देखने को मिलेगा, निडल ग्रिप की मदद से आप इसको क्या कर सकते हैं खींच कर बाहर कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका वेन के अंदर चला गया, आपने डाल दिया है कैनुला, उसको बाद में पकड़ कर इसको निकाला जाता है, जो स्टील वाला होता है इसको खींच कर आपको बाहर करना होता है, जो प्लास्टिक वाला रहेगा वो आपकी वेन के अंदर रहता है, बाकी स्टील वाला पोर्शन जो स्टाइलेट होता है इसको निकाल कर बाहर डाल दिया जाता है। ये क्या करता है स्मूथली आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और पेनिट्रेशन का काम करता है, जो आगे वाला पेन जो अब शार्प पोर्शन है ये पेनिट्रेशन आपका करवाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ये आपका निडल ग्रिप हो गया, निडल ग्रिप में जैसे ही अब आपने वेन को पंक्चर कर दिया, वेन को पंक्चर करने के बाद में यहाँ पर आपको ब्लड दिखाई देने लग जाएगा, अगर आपकी वेन पंक्चर हो चुकी है सही तरीके से आपने वेन के अंदर इसको डाल दिया, तो यहाँ पर इसको में क्या आ जाता है फ्लैशबैक चैम्बर में क्या आ जाएगा ब्लड आपका देखने को मिलेगा। इसका मतलब है आपका कैनूला है वेन के अंदर है, वेन को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं गया है। नेक्स्ट ये आपका होता है यहाँ पर लीवर लॉक प्लग, जो कि इसका ढक्कन आता है, इस तरीके का आपका जो कैप आती है उसे नाम दिया जाता है लीवर लॉक प्लग के नाम से जानते हैं, ताकि ब्लड आपका बाहर निकल कर नहीं जाएगा, तो इसको पैक करके रखना होता है। अब इसके बाद में जैसे आपने अंदर डाल दिया इसको वेन के, इसको निकाल लिया जाता है, निकालने के बाद में आपको यहाँ से ये वाली जो कैप होती है इस कैप को निकाल कर यहाँ पर अटैच कर दिया जाएगा, और यहाँ से क्या कर देते हैं भाई दा माइक्रोपोरिया डाइनाप्लास्ट या फिर जो आपकी ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग आती है उस ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग से इसको चिपका दिया जाता है, अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया जाएगा, तो फिक्सेशन काट के आपको रखना होता है। तो अगर ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो डिफरेंट डिफरेंट सभी कैनुलाज होते हैं, उनमें सेम आपके पार्ट्स देखने को मिलेगा, कलर कोडिंग होती है, अलग अलग कलर कोडिंग अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। एक बार वापस से देख लीजिएगा, ऑरेंज कलर का 14 गोज का होता है, ग्रे कलर का होता है 16 गोज का, 18 गोज का, ग्रीन कलर का 20 गोज का होता है, पिंक कलर का होता है 20 नंबर का, 22 नंबर का होता है, 22 का वो आपका ब्लू कलर का, 24 का येलो कलर और 26 होता है पर्पल या वायलेट कलर का। तो इसी तरीके की मोर और इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और डेली आपकी जो वंदे भारत सीरीज चलती है सुबह, उसको बिल्कुल आपको अटेंड करना है। 308 आपके एपिसोड हो चुके हैं, कल की क्लास आपकी बिल्कुल सुबह 8:30 बजे रहने वाली है, तो जुड़ जाइएगा सुबह 8:30 बजे, आप सभी का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।